छोटी मोटी भूख के लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है। इसके लिए सूजी ले लेंगे 1.5 कटोरी, एक कटोरी ले लें लगभग और आधी कटोरी ले लेते हैं। इसमें डाल देंगे 1 कटोरी दही, खट्टी दही हो तो आधी कटोरी लें। दही और सूजी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब इसको ढक के रख देते हैं 15 मिनट के लिए। सूजी हमारी फूल गई है, यहाँ डाल देते हैं 4 चम्मच चीनी। चीनी को अच्छी तरह से घोल लेंगे बैटर में। बैटर हमारी अच्छी तरह से घुल गई है। अब इसमें डाल देंगे, थोड़ा बैटर गाढ़ा लग रहा है इसलिए थोड़ा सा डालेंगे पानी। फिर अच्छी तरह से बैटर को मिला लेंगे। अब डाल देते हैं 1 से 2 चम्मच रिफाइंड तेल। अच्छी तरह से मिला लेते हैं तेल को बैटर में। देखिए इस तरह का बैटर चाहिए। यहाँ थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वाद को बढ़ाने के लिए। अब यहाँ कढ़ाई चढ़ा देते हैं और उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और स्टैंड रख देते हैं। पानी को गर्म होने देते हैं। दूसरे बर्नर पे भी एक कढ़ाई चढ़ा देंगे, उसमें भी पानी डाल के गर्म होने देंगे। अब बैटर में डाल देते हैं थोड़ा सा किशमिश, इसे भी अच्छी तरह से मिला लेंगे बैटर में। अब प्लेट को थोड़ा सा तेल लगा के ग्रीस कर लेते हैं दोनों प्लेट में। प्लेट तेल से ग्रीस हो चुका है। अब बैटर में डाल देते हैं इनो 1 पैकेट। इनो झटपट मिला लेंगे बैटर में। अब प्लेट में डाल देते हैं बैटर को, दोनों प्लेट में डाल लेते हैं। अब प्लेट को डाल देंगे स्टैंड के ऊपर रख देते हैं और कर देते हैं कवर। दूसरे कढ़ाई में भी डाल देते हैं, ऐसे भी कर देंगे कवर। अब देख ले, इसमें डाल देते थोड़ा सा किशमिश गार्निशिंग के लिए, फिर कवर कर देंगे। दूसरे वाले में भी डाल देते हैं किशमिश। फिर से कवर कर देंगे इसको। 20 से 25 मिनट तक इसे ढक कर रखेंगे। 20 से 25 मिनट हो चुका, अब देख लेते हैं। बेक हो चुका, अब निकाल लेते हैं इसको।
दूसरा वाला भी निकाल लेते हैं। बेहद ही हेल्दी और बेहद ही टेस्टी रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलिए इसे काट के दिखाते हैं। स्क्वायर पीस में काट दे रहे हैं। देखिए बेहद ही टेस्टी है और साथ ही बेहद ही स्पंजी और सॉफ्ट रेसिपी है। देखिए इसको दबा रहे फिर पहले जैसे हो जा रहा है। अब चलिए करते हैं इसको प्लेटिंग। यहाँ डाल देते हैं। आप इसे इमली के चटनी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं। बेहद ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।